हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। लगता है आपके मोबाइल पे भी ये वाला मैसेज दिखाई देने लग गया है, या फिर आप कहो कि आपके मोबाइल में भी फ्री फायर नहीं चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना है, आपके मोबाइल में फ्री फायर नहीं चल रहा है। तो आपको दुखी होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अभी 2 मिनट में मैं आपका अकाउंट एक्टिवेट करा देता हूं, 2 मिनट के अंदर आपके फोन में फ्री फायर चल जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आपके अकाउंट की कोई आईडी बहुत पहले बंद हो चुकी है या फिर अभी रिसेंटली बंद हुई है, बिल्कुल परमानेंट बैन हो गई है आईडी, जैसे आप फेसबुक से लॉगिन करते थे या जीमेल से लॉगिन करते थे, वो बैन हो गई है, तो उसको भी आप 100% रिकवर कर सकते हो। उस वीडियो का आप देख के मेरी को 100% आपका वो अकाउंट रिकवर हो जाएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया है मैंने, और साथ ही ऊपर एक कार्ड आ रहा होगा, इस पर आप जब क्लिक करोगे तो आपको वो वाली वीडियो मिल जाएगी। तो उससे आप अपने पुराने वाले अकाउंट को भी आप अपने एक्टिवेट कर सकते हो। तो मैं आपको बताता हूँ आपके फोन में फ्री फायर क्यों नहीं चल रहा है और ये कैसे चलेगा। साथ ही दोस्तों एक बात और बोलना चाहूंगा, अगर आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाता है तो आप प्लीज मेरी इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, मुझे 100 लाइक्स चाहिए इस वीडियो पे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि आपके फोन में ऐसा क्या हो गया है जिसकी वजह से फ्री फायर आपके फोन में नहीं चल रहा है। देखो, सबसे पहले होता क्या है, फ्री फायर जो बंद हुआ है होता क्या है, सिम के अंदर 2 EMI नंबर होते हैं, जैसे *##06##, तो ये हमारे 2 EMI नंबर होते हैं। SIM 1 का ये वाला है और SIM 2 का ये वाला है। जिस सिम से आपका इस वक्त नेट चल रहा था, यानी कि जब आपका फ्री फायर बंद हुआ है उस टाइम जो नेट चल रहा था, अगर आप SIM 1 से चला रहे थे, यानी कि SIM 1 वाले स्लॉट से चला रहे थे, तो आपका वो वाला बंद हो गया होगा, SIM slot number 1। अगर आप SIM slot 2 से चला रहे थे तो आपका SIM slot number 2 बंद हो गया है। जी हाँ दोस्तों, अब आप कभी भी उससे नहीं चला सकते हो। हो सकता है कुछ टाइम बाद आप उससे चला सको, 1 महीने 2 महीने 3 महीने बाद उसे चला सको, लेकिन फिलहाल आप बिल्कुल नहीं चला सकते। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है, इसके सॉल्यूशन सिंपल सा है। आपको करना क्या है, आपके फोन में 2 SIM के स्लॉट होते हैं, SIM slot number 1, SIM slot number 2। अब आपको ये देखना है कि आपकी सिम कौन सा वाला बंद हुआ है। अगर आप 1 बंद हो गया है आपका, यानी कि जिसमें आप पहले सिम चला रहे थे, जब आप फ्री फायर खेलते थे, मान लो आप SIM 1 से इंटरनेट चलाते थे, तो आपका वो बंद हो गया होगा। अगर आपका 1 बंद हो गया है या फिर आपका 2 बंद हो गया है, अगर आपका 1 बंद हुआ है तो आपको क्या करना है, SIM slot 2 यूज करना है अपने इंटरनेट चलाने के लिए। अगर आपका SIM slot number 2 बंद हो गया है तो आपको क्या यूज करना है, SIM slot number 1 यूज करना है। अब देखो इसमें होगा क्या, इसमें मैं आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पे सिम कार्ड के ऑप्शन जो आ रहे हैं, यहाँ पे SIM 1 है, यहाँ पे SIM 2 है। अब यहाँ पे जो मोबाइल का जो डेटा है वो कौन सा सिलेक्टेड है, मेरा यहाँ पे SIM 1 सिलेक्ट है अभी, और ये मेरा ऑलरेडी बंद हो चुका है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे इसको कर दूंगा SIM 2। तो अब मेरा क्या होगा, डेटा जो है, मोबाइल का जो डेटा है वो SIM slot number 2 से चलेगा, यानी कि दूसरे EMI नंबर से चलेगा। अब साथ ही साथ आपको करना क्या है, क्योंकि आपके SIM 2 में तो डेटा होगा नहीं, जिस सिम में आपके डेटा है, मोबाइल का डेटा है, इंटरनेट चलता है, उस सिम को निकाल के आप SIM slot 2 में डाल दो, तो आपका फ्री फायर चल जाएगा। अगर आपका SIM slot number 2 ही बैन हो गया है तो आपको करना क्या है, सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको जो मोबाइल का जो डेटा है, अगर आपका 2 बंद हुआ है, SIM slot number 2 बंद हुआ है, तो आपके मोबाइल का जो डेटा है उसको आपको कर देना है 1, और आपकी जो सिम जिसमें डेटा है, जिसमें इंटरनेट है, उसको भी निकाल के क्या करना है, आपको SIM 1 वाले स्लॉट में डाल देना है। SIM 2 को ऐसे ही छोड़ दो फिर उसको, यानी कि सिम तो डाले रखो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो आप मोबाइल का जो डेटा है उसको यूज करो जो इस टाइम चालू है। तो इस सिंपल से ये 2 चीजें कर दो, आप आपका फ्री फायर 100% चल जाएगा, आपका कोई रोकने वाला नहीं है। मैं आपको चला के दिखा देता हूँ, 100% आपका चलेगा। लेकिन इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम ये आएगी, अभी आपका जो है फ्री फायर का जो मोबाइल डिवाइस है वो अनलॉक हुआ है, आपकी आईडी अभी तक बैन है, जो आपकी आईडी बंद हो गई है, बिल्कुल परमानेंट जो आईडी बंद हो गई है, उसको खोलने के लिए आप मेरी दूसरी वीडियो देख लो। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप अपनी कोई भी पुरानी आईडी दोबारा एक्टिवेट करा सकते हो। लेकिन ये वाला जो तरीका है, जो आपकी सिम बंद हो गई है, 1 बंद हुई है तो उसको 2 में कर दो, अगर 2 बंद हो गया है तो उसको 1 में कर दो, तो आप ऐसे करके अपना फ्री फायर अपने फोन में चला सकते हो। तो एक बार और बता देता हूँ आपको, आपको क्या करना है, अगर आपकी SIM number 1 बंद हुई है, यानी कि जिसमें आप पहले गेम चला रहे थे, उसको आपको चेंज करके क्या करना है, सिम कार्ड यहाँ पे जो मोबाइल का जो डेटा है उसको 2 कर देना है, अगर आपका 1 बंद हो गया था तो उसको 2 कर देना, अगर 2 बंद हो गया तो उसको 1 कर देना है। सिंपल सा इतना सा सॉल्यूशन आपको करना है, आपका फ्री फायर 100% चल जाएगा। जैसे ही आपका फ्री फायर चलता है तो आप प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मेरी वजह से किसी की हेल्प होती है। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही है, बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक यू।
सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो. बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक यू ऑल ऑफ यू.